मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक संघ अधिवक्ताओं का सम्मेलन संपन्न। आज दिनांक 15/12/2023 दिन शुक्रवार समय 4 बजे होटल नैन मसाला रेस्टोरेंट में डीबी मॉल के पास भोपाल से अधिवक्ता संघ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता दीपचंद्र यादव जी ने की। सम्मेलन का संचालन लॉयन महेश कुमार साहू एडवोकेट ने किया। इस सम्मेलन को निम्न अधिवक्ताओं ने संबोधित किया। एडवोकेट सैयद साजिद अली, एडवोकेट पुरुषोत्तम गुप्ता, एडवोकेट तुलसीराम पटेल, एडवोकेट महबूब अंसारी, एडवोकेट ज्ञान सिंह, एडवोकेट लालचंद्र भारके, एडवोकेट एनएस गौतम, एडवोकेट करण सिंह शाक्या, एडवोकेट हरगोविंद मौर्य, एडवोकेट अंबिका सोनी, एडवोकेट उमेश साहू आदि अधिवक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया। ये सम्मेलन निम्न उद्देश्यों को लेकर किया जा रहा है। अधिवक्ता संघ के मुख्य उद्देश्य स्टेट बार काउंसिल एवं जिला बार काउंसिल, तहसील बार काउंसिल के पदों पर अधिवक्ताओं की संख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाएं। इस वर्ग के सभी अधिवक्ताओं को संगठन कर तहसील, जिला, संभाग, प्रदेश स्तर पर बार काउंसिल के चुनाव में चुनाव लड़ाना एवं इस वर्ग के लोगों को जिताकर सभी बार काउंसिल में भेजना। मध्य प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट शासन से लागू करवाने के रूप में रेखा बनाना। हाईकोर्ट एवं जिला न्यायालयों में वर्चुअल प्रोसीडिंग पूर्व की भांति जारी रखी जाने हेतु प्रयास करना। मध्य प्रदेश के जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय में अस्पताल, पुलिस चौकी, झूला घर, बैंक, डाकघर आदि की व्यवस्था करना। इस वर्ग के समस्त कनिष्ठ अधिवक्ताओं को 5 वर्ष तक सरकार द्वारा 10,000 रुपए का भत्ता प्रतिमाह दिया जाए एवं लाइब्रेरी स्थापित करने हेतु रियायती दरों पर ऋण की सुविधा दिलाना। न्यायालयों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अधिवक्ताओं को प्राथमिकता दिलाना। कनिष्ठ अधिवक्ताओं को आने जाने हेतु वाहनों पर रियायती दर के ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। इस वर्ग के अधिवक्ताओं को निवास हेतु गृह निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से शासन से रियायती दर पर भूमि प्राप्त कर सदस्यों को प्लॉट दिलाना। इस कार्यक्रम में निम्न अधिवक्ता अथर अली, अरविंद चौहान, जयदेव चौहान, अनवर रजा, साइमिन गोपाल वर्मा, योगेश चौहान, ए बी खान, अश्विनी कुमार यादव, कैलाश भारती, ज्योति पटेल, जिन्नत खान, लाखन चौहान, शैलेंद्र चौहान व बहुत से अधिवक्ता उपस्थित थे। मैं ओबीसी तुलसीराम पटेल एडवोकेट आज नाइन मसाला में ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक अधिवक्ताओं का महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक अधिवक्ताओं के हित में जो काम हो सके उसके लिए हमारी संस्था प्रयासरत रहेगी। और आज हम देखने को मिल रहा है कि हमारे ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक अधिवक्ताओं को उचित स्थान नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट में, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर सभी में उनको सम्मान दिलाया जाए। आज देखा जा रहा है कि कुछ वर्ग के लोग हैं जो अपना प्रतिनिधित्व करते हुए जो एक ही वर्ग के लोग उच्च पदों पर जा रहे हैं, तो हमारा संस्था का ये उद्देश्य है कि हमारे 91% ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनको जनसंख्या के अनुपात में अधिकार मिलना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। और जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर हमारे संगठन का विस्तार किया जाएगा। आज हमारा इसको लेकर बैठक रखी गई है।